अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल MNM नॉलेज मोहम्मद नईम मखदूमी के साथ, जिसमें हम आज आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन काबे के मुतालिक नॉलेज लेकर आए हैं। आइए उसके जानने से पहले सरवरे कायनात शाहे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी समाअत फरमाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज्ज वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो आइए आप सभी पढ़ लीजिए, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। क्या आप जानते हैं, हरम में दरिंदे शिकार का पीछा नहीं करते हैं। एक सूरत कुरान पाक में आई, वाइज जअलनल बैता मसावतल लिन्नासि व अमना, तर्जमा कंजुलीमान है, और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मरजा और अमान बनाया। इस आयत करीमा के तहत सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खज़ाइनुल इरफान में लिखते हैं, इस आयत मुबारका के लफ्ज बैत से काबा शरीफ मुराद है और इसमें तमाम हरम शरीफ दाखिल है। अमन बनाने से यह मुराद है कि हरम काबा में कत्लो गारत हराम है, या ये कि वहाँ शिकार तक को अमन है, यहाँ तक कि हरम शरीफ में शेर भेड़िए भी शिकार का पीछा नहीं करते, छोड़कर लौट जाते हैं। एक कौल यह है कि मोमिन इसमें दाखिल होकर अजाब से मामून यानी कि महफूज हो जाता है। हरम को इसलिए हरम कहा जाता है कि इसमें कत्ल शिकार हराम बा ममनू है। अगर कोई मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहाँ इससे तअर्रुज यानी रोक टोक ना किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी अपना कोई अगला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।